लालकुआ निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखता के जड़ सेक्टर स्थित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2010 के बाद से लेकर अब तक हुए घोटालों की जांच शुरू हो गई है। क्षेत्रवासियों की मांग पर प्रबंधन समिति के वर्तमान प्रबंधक रमेश कुनियाल ने अपने कार्यकाल सहित पूर्व की प्रबंधन समितियों की जांच हेतु शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। उनके द्वारा दिए गए लिखित शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। यह पत्रकारों से वार्ता करते हुए बिंदुखता जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वर्तमान प्रबंधन समिति के प्रबंधक रमेश कुनियाल ने बताया कि विद्यालय के प्रति लोगों में विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल सहित पूर्वी की तत्कालीन प्रबंधन समितियों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015 के बाद से लेकर अब तक विद्यालय के बही खातों और ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपयों की हेरा फेरी हुई है। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि 2000 में स्थापित हुआ था, बिंदुखता के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर स्थित है और विशुद्ध रूप से जनता चलाती है, प्रबंध समिति के सहयोग, जनता के सहयोग से प्रबंध समिति चलाती है। तो वर्ष 2017 26 दिसंबर को मैं इसमें प्रबंधक बना, हमारी प्रबंध समिति आई और हर 3 वर्ष में चुनाव होता है तो प्रबंध समिति चुन के आई, विशुद्ध रूप से जनता ने चुना, मेंबरों ने चुना। तो आने के बाद जब हमने देखा उसमें स्टार्ट किया अपना काम करना, तो लेजर में तमाम वित्तीय अनियमितताएं और विद्यालय का 2015 से ऑडिट नहीं हुआ था, तो हमने पूर्व की जो प्रबंध समिति के लोग थे उनसे भी आग्रह किया कि आप अपना ऑडिट कंप्लीट करके दें, ताकि जो विद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं उसमें ऑडिट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि इंटर की मान्यता, टोकन, ग्रांट, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल में, तो ऑडिट 2015 के बाद हुआ ही नहीं था, जो कि प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। तो ये हमने तमाम बार पूर्व के जो उस समय वित्त का चार्ज देख रहे थे प्रधानाचार्य, उन्हें दिया, पूर्व के अध्यक्ष प्रबंधकों से हमने ये आग्रह किया, जो कि लिखित में भी सबको दिए गए, बाई डाक द्वारा भी भेजा गया और AGM में भी उनके लिए प्रस्ताव किया गया कि आप अपने टाइम का ऑडिट क्लियर करा के दें ताकि विद्यालय की जो गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी उनके द्वारा नहीं किया गया। फिर जब हमने अभी बीच में अंतिम एक बार मौका दिया कि आप ऑडिट करा कर लाएँ, चाहे सही गलत जो भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें स्पष्ट नहीं थी, मतलब सीधे सीधे एक आ जाएगी, मतलब 1-1.5-2 लाख रुपये जिसका आय व्यय हो जिस संस्था का, उस संस्था में 1-1 लाख रुपये कैसे हैंड रहना या किसी एक व्यक्ति के पास वर्षों रह जाना, बिना ब्याज के जमा होना, बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब इतनी छोटी संस्था में और वो भी शिक्षा के इस मंदिर में इस प्रकार करना मतलब गले से नहीं उतरा। उसके बावजूद भी कि सब लोग गांव के हैं, ये कई लोगों के कहने पर कि एक चांस इनको ऑडिट करने का दिया जाए, तो हमने जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीमान भगवान सिंह धामी जी, पूर्व प्रबंधक थे, उनसे आग्रह किया कि एक आप इन्हीं जो पूर्व के लोग थे इनको आप वो करें, आदेशित करें कि अपना ऑडिट करा के लाएँ। तो श्रीमान भगवान सिंह धामी जी ने, जो पूर्व प्रबंधक रहे श्री भुवन जोशी जी, उनकी नेतृत्व में एक 4-5 लोगों की कमेटी तैयार करी, जिसमें कैप्टन इंद्र सिंह पनेर जी थे, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिश्चंद सिंह दानू जी थे और एक आध अन्य लोगों के साथ में, इन लोगों ने 5 लोगों की टीम करके ऑडिट करने CA साहब के पास भेजा। आप दंग हो जाएंगे यह देखकर कि उस ऑडिट में और जो वास्तविक जो लेजर है, लेजर की जो रोकड़ बता रही, उसमें 3-3 गुने का अंतर है। तो मतलब एक छोटी सी संस्था में 5 साल जो ऑडिट करा के लाए वो उसमें और लेजर में इतना भारी अंतर है कि मतलब ये समझ में नहीं आ गया। अगर सरस्वती के मंदिर और हमारे कार्यकाल का, खुद हमारे कार्यकाल का भी ऑडिट में इतना डिफरेंस करा के लाए, जिसके बाद हमने उसको कैंसिल किया। पत्राचार कराया आपने, किस तरीके से उच्च अधिकारी से मांग करी जांच की? भाई साहब, हमने अपने कार्यकाल, हम पर भी आरोप लगे बीच में, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों ने साजिशन विद्यालय में इतने 3 सालों के विकास कार्यों को देखकर लोग बौखलाए और कहीं ये प्रबंध समिति रिपीट न हो जाए, इस तरह तमाम षड्यंत्रों के तहत एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, विद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का एक प्रयास किया गया था कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। उस विद्यालय में तमाम तरह की अराजकता की गई, महिला अध्यापकों को बंधक बनाया गया, उनकी स्कूटी चाबियां छीनी गई, तमाम तरह की अभद्रता उनके साथ की गई, मतलब पूरा मॉब उस विद्यालय शिक्षा के मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए इनके द्वारा किया गया, जिसको देखते हुए हमने चुनाव प्रक्रिया को निरस्त किया था, जिसका अनुमोदन हमने जिला शिक्षा अधिकारी से लिया और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में के आदेश पर एक 3 सदस्यीय जाँच कमेटी सेटअप हुई थी, जिन्होंने भी अंतिम चुनाव प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। और उसके बाद हम पर तमाम वित्तीय अनियमितता और उसके आरोप लग रहे थे इन लोगों के द्वारा भी, तो हमने अपने कार्यकाल सहित विगत 2010 से अब तक की तमाम वित्तीय टीचरों के नियुक्तियों की अनुमोदन की, जो विद्यालय में विभिन्न छात्रवृत्ति आई है या जो विद्यालय में निर्माण कार्य हुए उनकी, और तमाम लेखा जोखा, लेजर, ऑडिट, डे बुक, अकाउंट, सारी चीज़ों की हमने टोटल एक 3 बिंदुओं पर एक जाँच हमने प्रबंध कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त एक पत्र माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी को दिया था, जिन्होंने उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जिले के वित्त अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के 2 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कई जो ईमानदारी का चोला उड़े घूम रहे हैं
ऐसे व्यक्तियों के चेहरे उजागर होंगे और मात्र इतनी छोटी सी संस्था जहाँ की टीचरों का मानदेय दे पाना मुश्किल होता है, उस छोटी सी संस्था में इतना बड़ा आपको वित्तीय घोटाला देखने को मिलेगा जो कि बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बहुत जल्द जो जाँच सेटअप हो गई है, बहुत ताज्जुब करने वाली बात है कि विद्यालय आज भी 10वीं तक मान्यता प्राप्त है, 10वीं तक के बच्चे वहाँ अध्ययन करते हैं। और 2013-14 में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक चेक आता 10,000 का, जिसे तत्कालीन प्रबंध समिति स्वीकार करती है, कैश करती है, लगाती है। देखने पर अभी जो हमने अभी जो उसके जो विशेषज्ञ थे अकाउंट्स के उन सबसे देखवाया तो ये चीज़ सामने आई है। और ये तो एक चीज़ सामने आई है, मुझे लगता है कि अगर विस्तृत जाँच होगी तो ऐसे न जाने कितने मतलब छोटे से इस एक छोटी संस्था में इतने बड़े बड़े कारनामे आए। छात्रवृत्ति घोटाले में भी ये विद्यालय कहीं ना कहीं लगता है कि जब एक एंट्री हमारे सामने आई कि 12वीं के बच्चों की 10,000 की छात्रवृत्ति आई है, जो कि विद्यालय आज भी 12वीं तक मान्यता नहीं है, आज भी बच्चे वहाँ विद्यालय में 12वीं के नहीं पढ़ते हैं, तो उसके बावजूद भी मतलब ये आना एक बहुत बड़ा वो विषय है। और इसकी बारीकी से जांच होगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कई और तथ्य सामने आएंगे।